हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं चैप्टर मनी का लास्ट टॉपिक को डील करूंगा, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। तो देखिए, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्क्यूलेटिंग इन एन इकोनॉमी। किसी एक इकोनॉमी में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्क्यूलेट हो रहा है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। और अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे डिफाइन किया जाए तो उसे कहते हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम। इज द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है हमारे कंट्री में, तो इसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। तो इसको मेजर करने का चार अलग अलग मेथड्स है जो आपको सीखना है। तो जिसका हेडिंग मैं दूंगा यहां पे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो देयर आर फोर मेथड्स टू मेजर द मनी सप्लाई। सबसे पहला जो मेथड है उसे हम लोग कहते हैं M1। क्या कहते हैं? M1। अब M1 में क्या क्या आता है? M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD। क्या है सर ये? तो मैं एक एक करके बताता हूं। वेर C इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड by the public, DD is equal to demand deposits and OD means other deposits। तो आइए समझते हैं क्या है। सपोज किसी के पास एक लाख रुपया है। अब उसने क्या किया, अपने घर पे 10,000 रुपया रख दिया कैश, अपने घर के तिजोरी में 10,000 रुपया कैश रख दिया और बाकी जो 90,000 बच गया उसको वो बैंक में जमा कर दिया। तो देखिए, जो 10,000 रुपया वो अपने घर के तिजोरी में रखा, अपने पास रखा, उसे हम कहेंगे सी स्टैंड्स फॉर करेंसी हेल्ड बाई दी पब्लिक। आई होप इट इज क्लियर। और जो 90,000 उसने बैंक में डिपॉजिट किया उसे हम कहेंगे DD, यानी डिमांड डिपॉजिट्स। व्हाई इट इज डिमांड डिपॉजिट? जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, ध्यान से समझना, कि हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वो दो अकाउंट में करते हैं। एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। कौन कौन सा दो अकाउंट होता है? सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो इसे डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मन किया हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जब भी हम डिमांड करेंगे बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और इन शॉर्ट हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कासा। क्या कहते हैं? कासा, CASA, कासा। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले आपने देखा M1 में क्या होता है, सी। सी मतलब जो पब्लिक के घरों पे पैसा है। ठीक है, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब मैंने क्या बोला, जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट एंड इन द फॉर्म ऑफ करेंट अकाउंट। तीसरा आता है ओडी, यानी अदर डिपॉजिट्स। तो इसको ऐसे समझेंगे, अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। ठीक है, अब ध्यान से समझना, RBI के पास यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा डिपॉजिट कौन करते हैं? RBI के पास पैसा डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक्स यानी आप अपने आसपास जितने भी बैंक्स देखते हो, अगले वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे, लाइक SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, UBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं। तो RBI में पैसा जमा कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट। ठीक है,
तो देखिए ओडी में क्या आता है कि कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट के अलावे, आई रिपीट, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट के अलावे और जो पैसा हम आरबीआई में जमा रखते हैं उसे हम अदर डिपॉजिट्स में लेते हैं। यानी अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड्स डिपॉजिट्स अदर देन the deposits of RBI, other than the deposits of commercial banks and the government. इन दोनों के पैसे को छोड़ के बाकी जो अमाउंट आरबीआई में जमा किया जाता है उसे हम कहते हैं अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब ऐसे कौन से पैसे होते हैं सर जो हम आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं इन दोनों के अलावे? तो देखिए कई सारे ऐसे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक मैं आपको बताऊं आईसीआईसीआई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट। दूसरा एचडीएफसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी। एचडीएफसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम होता है लोन डिसबर्स करना, लोन देना, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ आईडीबीआई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईडीबीआई बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली आईडीबीआई, ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है। तो आईडीबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये लोग जो है अपना पैसा कहाँ जमा रखते हैं? आरबीआई में। तो उस अमाउंट को हम लोग अदर डिपॉजिट्स में लेंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वहां से पैसे मंगवाता है। मैं रिपीट करता हूं, कहां से? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वहां से पैसे मंगवाता है और अपने पास वो डिपॉजिट में रखता है। तो उस पैसे को भी हम लोग अदर डिपॉजिट्स में लेंगे। तो अदर डिपॉजिट्स का मतलब हो गया डिपॉजिट्स विथ आरबीआई अदर देन द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। तो ये हमारा M1 हो गया। M1 में क्या क्या आ गया? C प्लस DD प्लस OD। अब आते हैं, देखते हैं M2 में क्या आता है। M2 स्टैंड्स फॉर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। अब M1 में क्या आ गया? M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD और प्लस इसमें आ जाएगा PO, यानी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। देखो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स क्या होता है, कई लोगों को बैंक पे भरोसा नहीं होता है तो वो अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखता है, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो यहां पे जो हम अमाउंट लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स का, वो सेविंग्स डिपॉजिट्स को लेते हैं, ठीक है। तो M2 हो गया, M1 यानी C प्लस DD प्लस OD प्लस PO। अब M3 में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि M1 एंड M2, ये MCQ क्वेश्चंस में आता है, M1 एंड M2 को वी कॉल नैरो अप्रोच और नैरो मनी। क्या कहोगे इसको? नैरो मनी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ नंबर थ्री में आ जाओ। नंबर थ्री स्टैंड्स फॉर M3। अब बाबू M3 क्या होता है? तो M3 कहता है कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। अब सवाल है सर M1 मतलब तो हम लोग जानते हैं, M1 मतलब हो गया C प्लस DD प्लस OD। अब सर इसके साथ आपने यहां क्या जोड़ा? तो मैं कहता हूं मैंने जोड़ा टाइम डिपॉजिट्स। व्हाट इज टाइम डिपॉजिट्स? मैं यहां लिख देता हूं, टाइम डिपॉजिट्स का आपने नाम सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम ये पैसा बैंकों में रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, ठीक है। और उस पीरियड के एंड होने के बाद हम वो पैसा वहां से निकालते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो M3 में क्या क्या आ गया? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M1 यानी C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट्स, दैट इज फिक्स डिपॉजिट। एंड सबसे अंत में आता है M4। M4 का मतलब है M3 प्लस PO, PO मतलब पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स।
तो देखिए M4 में क्या आ गया, M4 में एक तरह से आप देखिए तो सब चीज आ गया, है ना। M3, M3 मतलब क्या था, M3 मतलब था M1, M1 में क्या क्या था, C प्लस DD प्लस OD और प्लस इसके साथ मैंने जोड़ दिया पोस्ट ऑफिस, तो और प्लस M3 में टाइम डिपॉजिट भी था, तो TD को भी मैंने यहां पे जोड़ दिया। तो M4 स्टैंड्स फॉर M3, M3 में ये दोनों था उसको ले लिया, प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस में जो आप पैसे जमा करते हो उसको भी हम लोग इसमें मेजरमेंट में लाते हैं। तो इस तरह से देयर आर फोर अप्रोच और फोर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, और इन दोनों को थर्ड एंड फोर्थ को, जैसे ये नैरो मनी था इसको हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। तो इस तरह से आपने ये सीख लिया कि देयर आर फोर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बढ़िया से 10 बार इसको लिखोगे ना, एकदम रोज एक एक, हर रोज अगर एक एक बार करके लिखोगे 10 दिन तक, तो ये पूरा याद हो जाएगा, तेरे दिमाग में ये चीज घुस जाएगा। तो इसको बहुत बढ़िया से आप प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब अगले वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा बैंकिंग।